क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया है द रेशियो ऑफ द एरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू पॉजिटिव नंबर ए एंड बी इज एम रेशियो एड। शो करना है कि ए रेशियो बी कि उन दोनों पॉजिटिव नंबर का रेशियो जो होगा वो एम प्लस अंडर रूट में एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर रेशियो एम माइनस एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर होगा। देखिए इस क्वेश्चन को करने से पहले एक रूल समझ लेते हैं जो इस वाले क्वेश्चन हमारा यूज हो रहा है वो है कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल। ठीक है ना, बहुत ही ज्यादा यूजफुल है ये रूल हमारा। ठीक है ना, देखिए अगर हमें कोई दो रेशियो इक्वल दे रखे होते हैं ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी तो इस वाले रूल के हिसाब से पहले वाला जो न्यूमरेटर होता है ना उसमें हम डिनोमिनेटर को ऐड कर देते हैं अपॉन में न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर को माइनस कर देते हैं तो वो राइट हैंड साइड में भी सेम हो जाता है सी प्लस डी हो जाएगा अपॉन में सी माइनस डी हो जाएगा तब भी रेशियो हमारे दोनों के रहेंगे इक्वल रहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, देखिए देखिए 1/2 जो होता है ना ये जो रेशियो है ये 4/8 के इक्वल भी होता है। देखिए आप 1 यहाँ 2 यहाँ 4 1 जा 4 4 2 जाए तो दोनों रेशियो क्या है इक्वल है। इसमें हम ये वाला रूल अप्लाई कर रहे हैं तो देखिए क्या होगा, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को ऐड कर दीजिए पहले आप, 1 में मैंने आप 2 ऐड कर दिया और नीचे डिनोमिनेटर में मैंने न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर को माइनस सब्ट्रैक्ट कर दिया। भाई देखो ऊपर 1+2 कर दिया नीचे 1-2 कर दिया, सेम प्रोसीजर हम राइट हैंड साइड में भी अप्लाई करेंगे तो 4 में मैंने क्या ऐड करा 8 और 4 में से ही मैंने क्या कर दिया 8 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक, अब आप देखिए ऊपर कितना बचा हमारा 3 नीचे कितना बचा माइनस का 1, इधर जाते हैं देखिए 8 और 4 कितना हो गया 12 और नीचे कितना गया माइनस का 4। अब भी आप चेक करिए रेशियो हमारा सेम ही है, ये 3/-1 है तो 4 1 जा 4 4 3 12 तब भी हमारा कितना 3/-1 है। ठीक, तो ये वाला रूल हमारा यहाँ पर यूज होने वाला है। ठीक, तो ध्यान देते हैं इस क्वेश्चन पे, कहा गया एरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू पॉजिटिव नंबर ए एंड बी। तो देखिए एरिथमेटिक मीन ऑफ ए एंड बी, अगर कोई दो नंबर हमें दे रखे होते हैं उन दोनों का एरिथमेटिक मीन कहा जाता है तो उन दोनों का सम कर देते हैं और अपॉन में क्या हो जाता है 2 हो जाता है। जैसे हमसे कहा गया कि 2 और 8 का एरिथमेटिक मीन बताइए तो 2+8 कर दिए अपॉन में 2 कर दीजिए तो 10/2 5 आ जाएगा उसका एरिथमेटिक मीन। ठीक, अगर इन दोनों ही नंबर का अगर हमसे ज्योमेट्रिक मीन पूछते तो इन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई कर देते हैं और उसके ऊपर अंडर रूट चढ़ा देते हैं तो आ जाएगा 16 और 4 आ जाएगा उनका ज्योमेट्रिक मीन। तो लिख रहे हैं जी एम ऑफ ए एंड बी, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी मैंने ए और बी और उस पर क्या चढ़ा दिया अंडर रूट तो ये उसका उन दोनों नंबर का क्या हो जाएगा ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया इन दोनों का रेशियो, भाई एरिथमेटिक मीन का और ज्योमेट्रिक मीन का रेशियो जो है वो एम रेशियो एन है तो भाई एरिथमेटिक मीन तो हमारा ये हो गया ए प्लस बी अपॉन में 2 और इसका रेशियो किससे ज्योमेट्रिक मीन से ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट ए बी और वो रेशियो दे रखा हमारा एम रेशियो एन। क्वेश्चन में कहा गया था एरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन का जो रेशियो है ना वो एम रेशियो एन है तो ये तो हो गया हमारा एरिथमेटिक मीन, ये हो गया ज्योमेट्रिक मीन, इन दोनों का रेशियो एम अपॉन एन हो गया। सॉल्व करते हैं इसे, हम देखिए ये जो 2 था ना इस वाले अंडर रूट ए बी के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं ए प्लस बी अपॉन में 2 अंडर रूट ए बी इक्वल टू एम अपॉन एन। अब देखिए यहां पे बिल्कुल सेम कंडीशन बन गई हमारी ये वाली। ठीक है ना कि भाई इधर हमारे दो रेशियो हैं ये और इक्वल टू में 2 रेशियो इधर है तो हम यहाँ पे ये कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल लगा रहे हैं तो लिख रहे हैं अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल। ठीक, आप पूरा नाम लिख दीजिए वहां पे। ठीक है ना, तो देखिए न्यूमरेटर हमारा क्या है ए प्लस बी है और हमारा डिनोमिनेटर क्या था 2 अंडर रूट ए बी तो पहले तो मैंने यहां ऊपर इसमें ऐड कर दिया अपॉन, न्यूमरेटर क्या था ए प्लस बी और अब हम क्या कर रहे हैं इसे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक, बिल्कुल सेम प्रोसीजर हमारा यहां पर भी होगा, पहले मैंने एम में एन तो ऐड कर दिया और डिनोमिनेटर में एम में से एन को माइनस कर दिया तो हमारा रेशियो बिल्कुल सेम रहेगा इस वाले रूल के हिसाब से। ठीक, अब इसके बाद देखिए ये हमारा ए प्लस बी प्लस 2 अंडर रूट ए बी है, ये जो है ना टर्म हमारे अंडर रूट ए और अंडर रूट बी में है तो देखिए मैं इस वाले टर्म को जो हमारा ए लिखा हुआ है ना इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं अंडर रूट ए का स्क्वायर। देखिए अंडर रूट ए का स्क्वायर करेंगे तो कितना जाएगा ए आ जाएगा
इसी तरह से जो बी लिखा हुआ ना उसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ अंडर रूट बी का स्क्वायर, वो इस वजह से लिखा क्योंकि यहाँ पे ना हमारा फॉर्मुला बन जाएगा, ये अंडर रूट ए अंडर रूट बी टर्म दिए हुए ना, तो इसे मैं स्क्वायर में लिख रहा हूँ, इसे भी स्क्वायर में लिख रहा हूँ, तो इसे मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस अंडर रूट बी का स्क्वायर, अब प्लस टू अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी, इन दोनों टर्म को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ अलग अलग करके, ठीक है ना। हमें तो रेशियो फाइंड करना ना ए रेशियो बी, तो मुझे तो ए और बी अलग अलग फाइंड करने, ठीक है ना। तो अंडर रूट ए का स्क्वायर ये हो गया, अंडर रूट बी का स्क्वायर ये हो गया, टू इंटू अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी हो गया अपॉन में भी। बिल्कुल इसी तरह से मैं इसे अंडर रूट ए का स्क्वायर लिख सकता हूँ, इसे अंडर रूट बी का स्क्वायर लिखा जा सकता है, माइनस टू ऐसे रहेगा अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी। राइट हैंड साइड हमारी ऐसी रही एम प्लस एन और एम माइनस का एन। अब आप ध्यान दीजिए, ये वाला ना हमारा फॉर्मूला बन रहा है, पहले टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर प्लस टू इंटू पहला टर्म सेकेंड टर्म, तो ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी और उसका होल का स्क्वायर। देखिए प्लस वाला बना है, पहले टर्म का स्क्वायर प्लस दूसरे टर्म का स्क्वायर प्लस टू ए बी, है ना, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर वाला। यहाँ माइनस आ रहा तो यहाँ माइनस वाला फॉर्मूला बनेगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी होल का इक्वल टू मेरा एम प्लस एन अपॉन में एम माइनस एन, ठीक। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में ना हमारे दोनों ही टर्म पर स्क्वायर है भाई, न्यूमरेटर पे भी स्क्वायर हो रहा है, डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर हो रहा है, तो मैं इसे इस तरह से लिख सकता हूं कि इसे अंडर रूट ए प्लस बी को मैंने इस तरह से लिखा और अपॉन में अंडर रूट ए माइनस बी लिख दिया इस तरह से। अब भैया इधर होल का स्क्वायर हो गया, ये भाई न्यूमरेटर का भी स्क्वायर हो गया, डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर हो गया, इधर रहा हमारा एम प्लस एन और अपॉन में कितना आ जाएगा एम माइनस एन, ठीक है ना। ये वाला जो स्क्वायर है ना हम राइट हैंड साइड में भेज रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, देखिए अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी और अपॉन में बचेगा अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी, और ये वाला जब स्क्वायर जाएगा इधर चलेगा ना अंडर रूट चलेगा इस पे, है ना, इस तरह से हो जाएगा ये एम प्लस एन और अपॉन में एम माइनस एन, ठीक। तो ये दोनों ही अंडर रूट में है, तो मैं दोनों पर अलग अलग अंडर रूट चढ़ा रहा हूँ कि भैया इस पे भी अंडर रूट आ गया और इस वाले टर्म पे भी अंडर रूट आ गया। ये हमारा डिनोमिनेटर है, ये वाला हमारा न्यूमरेटर हो गया, ये डिनोमिनेटर हो गया, ठीक है ना। अब आप देखिए ये हमारा फिर से दोबारा ये रेशियो बन रहा है, ये न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर ये न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर, दोबारा से हम इसमें यही वाला रूल अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना। तो लिख रहे हैं अगेन अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल, तो देखिए क्या होगा। यहां पे ना ये हमारा न्यूमरेटर था, तो ये रहा अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी, और इसमें मैंने क्या किया इस वाले डिनोमिनेटर को ऐड कर दिया, तो ये जगह अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी अपॉन। इस बार क्या करना है, हमने न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर को सेपरेट करना है, तो अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी ऐसे रहा, इसमें से हमने डिनोमिनेटर कर दिया इक्वल टू, बिल्कुल सेम प्रोसीजर हमारा ये यहां भी फॉलो होगा। तो भैया अंडर रूट एम माइनस एन, सॉरी प्लस था यहां, ये तो ऐसे रहा माइनस अंडर रूट एम प्लस, सॉरी माइनस था यहां एन, ये रहा ऊपर तो प्लस होगा। दोबारा देखते, देखिए ये हमारा न्यूमरेटर था, ये लिख दिया प्लस कर दिया हमने डिनोमिनेटर को, ये हो गया। अब न्यूमरेटर हमारा ये ऐसे रहा और इसमें से हमने डिनोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट कर दिया, एम माइनस एन हो गया, ठीक है। यहां पे बड़े ध्यान से देखेंगे, देखिए ये वाला टर्म ना इस वाले टर्म से कैंसिल हो जाएगा, और नीचे जब ये माइनस अंदर जाएगा ना ये वाला टर्म, तो ये माइनस का हो जाएगा और ये वाला टर्म प्लस का हो जाएगा। मैं इसे डायरेक्ट लिख रहा हूं यहाँ पे, इस तरह से लिख सकते नहीं लिख सकते, तो इस बार जो ना यहाँ पे अंडर रूट ए से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर कितना बचेगा सिर्फ टू अंडर रूट ए, है ना, अंडर रूट ए टू अंडर रूट ए, यहाँ बचेगा टू अंडर रूट बी, और इक्वल टू में आ जाएगा हमारा ये अंडर रूट एम प्लस एन प्लस का अंडर रूट एम माइनस एन, और अपॉन में बचा अंडर रूट एम प्लस एन माइनस अंडर रूट में एम माइनस एन, टू से टू भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक। हमें जो रेशियो चाहिए वो ए रेशियो बी चाहिए, यहाँ पे हमारी जो वैल्यू है वो अंडर रूट ए है, यहाँ अंडर रूट बी है, तो मैं क्या कर रहा हूं
दोनों तरफ स्क्वायर कर रहा हूं, देखिए स्क्वायर करने से अंडर रूट हट जाएगा, यहां से अंडर रूट यहां से हट जाएगा, तो मैं लिख रहा हूं स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो दोनों तरफ स्क्वायर करने से देखिए ये तो हमारा ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, राइट हैंड साइड को बड़े ध्यान से देखना, ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट एम प्लस एन प्लस अंडर रूट एम माइनस एन, और उसका होल का स्क्वायर हो गया अपॉन में अंडर रूट एम प्लस एन माइनस अंडर रूट एम माइनस एन, और इधर होल का स्क्वायर हो गया इस तरह से। ठीक, ये हमारा पहला टर्म है, ये सेकंड टर्म है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर हो रहा है। तो देखिए पहले वाले टर्म का स्क्वायर, तो हम इसे लिखेंगे अंडर रूट एम प्लस एन इसका स्क्वायर प्लस अंडर रूट एम माइनस एन वाई का स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो टू इसे रफ कर रहे हैं, टू अंडर रूट एम प्लस एन हर इंटू में आ जाएगा अंडर रूट एम माइनस एन इस तरह से अपॉन में, यहां पर देखिए माइनस वाला है तो एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर लगेगा, तो यहां हो जाएगा पहले वाले टर्म का स्क्वायर एम प्लस एन का स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस अंडर रूट एम माइनस एन का स्क्वायर माइनस आ जाएगा टू एक्स वाई, तो एम प्लस एन इंटू एम माइनस एन इस तरह से आ जाएगा। ठीक, अब मल्टीप्लाई में ना हमारे जैसे अगर मान लीजिए ये लिखा होता अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी, तो इसका मतलब ये होता है कि अंडर रूट में ए भी दोनों एक साथ हो जाते हैं। ठीक, तो ये अंडर रूट हमारा ये वाला टर्म है, अंडर रूट में ये वाला टर्म, तो मैं इन्हें एक साथ लिख रहा हूं, ऐसे करके लिख सकते हैं, इसी तरह से इन दोनों टर्म को भी हम एक साथ लिख सकते हैं। ठीक, पहले वाले टर्म का स्क्वायर जब करेंगे तो हो जाएगा एम प्लस एन, सेकेंड वाले टर्म का स्क्वायर जब करेंगे तो लिखेंगे एम माइनस एन, अंडर रूट से सिर्फ स्क्वायर हट रहा, ये वाला टर्म हमारा ऐसे रहा, यहां पे ध्यान देंगे ये m प्लस एन इंटू एम माइनस एन है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो पहले वाले टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले टर्म का स्क्वायर, तो यहां बचा एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन गया हमारा अपॉन में, यहां देखे ये n से n हट जाएगा, इसी तरह से m प्लस एन बचा अंडर रूट से स्क्वायर हट जाएगा, यहां भी अंडर रूट से हमारा स्क्वायर हट जाएगा एम माइनस एन, तो ये कट गए हमारे प्लस टू, सिमिलरली एम प्लस एन था एम माइनस एन था, यहां माइनस का साइन है, तो एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बच गया। ठीक, m और m कितना हो गया 2m प्लस 2 अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, इसी तरह से m और m कितना हो गया 2m माइनस 2 अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, दोनों ही टर्म हमारे 2 कॉमन है, तुमने 2 कॉमन लिया m प्लस अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर सॉरी माइनस का एन स्क्वायर अपॉन में 2m माइनस अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस का एन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब आप देखिए यही हमारा जो ना ए रेशियो भी आ रहा है, एम प्लस अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर और एम माइनस अंडर रूट में एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, ये हमें ए रेशियो बी यही हमें शो करना था।